हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, हाँ भाई, कौन? क्या बोल रहा मेरा भाई? तुमने बोला ना तीन वसीले जो है, तीन तरह के वसीले जायज पहले अपना नाम बताओ, है। अपना नाम बताओ। अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम। तीन अभी जो तीन तरह के वसीले आपने बताए ना, तीन तरह के वसीले आपने क्या भाई, बोला क्यों कि तीन तरह परेशान के कर रहे हो वसीले मेरे जायज भाई, है? क्यों तीन परेशान कर रहे हो? तीन तरह के वसीले जायज है बताया ना आपने, मेरे को परेशान है मत करो मेरे भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तुम जानते हो, मैंने एक बार बोलना स्टार्ट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। अपने आप की नहीं बात टाइम पास मत करो, दीन को मेरे भाई मजाक ना बनाओ। दीन समझना हो तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, फालतू बहस करना बाप है के अपने तो आप पे आ गए मेरे तुम पास अभी, टाइम नहीं है। बाप के अपने आप पर आ गए तुम अभी। जायज वसीला जो है भाई, वो कुरान और हदीस की रोशनी में साबित मेरे है, भाई जो तीन मैं आपसे टाइप के सीधे हैं। बात कर रहा हूँ, मैं पहला जो वसीला है वो है आपसे अल्लाह सुबहानो ताला के अच्छे अच्छे नामों का वसीला लेना, ठीक है मेरे भाई? सीधे। इस चीज को आप मानते हो कि नहीं? बोलते जाओ ना, आपकी हाँ, बात सुनते हो अल्लाह मैं कितना सुबहानो बोलता ताला हूँ। सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में कहता है, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के लिए ही हैं, और इसलिए उन नामों से अल्लाह को पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो उनके नामों में टेढ़ापन करते हैं, उन्हें उनके लिए कड़ी सजा मिलेगी। ये अल्लाह सुबहान व तआला फरमा रहे हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में। इससे साबित होता है कि हम अल्लाह सुबहान व तआला के अच्छे अच्छे नाम का, जात का, सिफात का, हम इसका वसीला ले सकते हैं। ये हो गया पहला वसीला, ठीक? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरे भाई की? बात कर, फोन काट के। हाँ, बोलते जाओ ना, बोलते जाओ। लेकिन एक बात यार, एक बात सुनो जो मेरे, मेरे दूसरा एक बात जायज सुनो, वसीला है उसकी जो किस्म मेरे है एक बात कि सुनो, अपने नेक आमालों का वसीला लेना, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, आप जो बोल रहे हो ना मैं सुन रहा हूँ, ठीक हाँ ठीक है भाई। जो है? आप बताओ, दूसरा जायज समझे तो होंगे, तक आप बीच भाई, बीच जो में बोल रहे दूसरा थे, वसीला जायज है वो है मेरी बात तो समझे अपने तो फिर नेक आप बाद में आमालों का करोगे। वसीला लेना। और नेक आमालों का वसीला लेना ये भाई कुरान से साबित है, सूरह बकरा की आयत नंबर 127, ठीक? अल्लाह सुबहाना तआला ओपन फरमाते हैं सूरह बकरा की 127 में, और जब उठाता था इब्राहिम इस घर की नींव और इस्माइल ये कहते हुए, ऐ रब तू हमसे कबूल फरमा ले, ठीक? तो ये इससे साबित भाई ये हो गया कि इब्राहिम अलैहि सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम वो अपने नेक आमाल के बदले अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह हमें कबूल कर ले, ठीक? तो जो ये दूसरा वसीला है अपने नेक आमालों का वसीला लेना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से साबित है। और एक हदीस भी आती है कि भाई वो तीन लोग होते हैं जो भाई एक गार के अंदर भाई वो फंस जाते हैं, तो तीनों लोग अपनी अपनी नेकियों का वसीला लेते हैं, तो गार का जो पत्थर होता है वो भाई वो खुल जाता है, तो भाई ये तीनों लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है? अब तीसरा जो वसीला है, हेलो, कहाँ गए? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं अभी क्या क्या बोलूँ आपको, नहीं, तीसरा भाई, मैं आप क्या बता भाई तीसरा जो वसीला उसको सुन रहा लीजिए, हूँ, उसके मैं बाद सुन आप रहा हूँ आपकी बोलिएगा, बात, ठीक है? जो मैं तीसरी सुन रहा हूँ, किस्म है वो ये है लेकिन कि मैं जब अपने बोलूंगा आप हक में कितने जिंदा बोलोगे, ठीक मोमिन भाई की दुआओं का वसीला लेना, यानी कि अगर कोई है? जब मैं जिंदा जेब में है, जब आप बोल नेक जब है, मैं बोलूंगा तो अकीदा आप बीच में तौहीद नहीं पे बोलोगे, है, ठीक है? किताबो सुन्नत पे है, अगर उसका वसीला हम दुआ में लेते हैं तो ये जायज है। एक अगर कोई एक मोमिन भाई है वो दूसरे भाई वो जिंदा मोमिन भाई का वसीला लेता है अपनी दुआ में, तो अल्लाह सुबहान व तआला उसकी दुआ को कबूल करता है, ठीक? हो गई बात, हो गई आपकी बात। हाँ, और सुन लीजिए, जो भाई जो ये नाजायज वसीला है वो ऐसे वसीले हैं जिनका सबूत कुरान और सुन्नत में मौजूद ना हो, बल्कि लोग उसे खुद का इजाद करके और उसको ही वसीला बना लें, जैसे नबियों का, रसूलों का,
वलियों का और वो बुजुर्गों का और दरवेशों का और पता नहीं किन किन जात का, और जैसे कोई मतलब भाई वो शहर है जैसे देवबंद है, अजमेर है, नागपुर है, और पता नहीं क्या क्या भाई वो निजामुद्दीन है, बरेली शरीफ है, इन सबका वसीला लेना ये सब कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर कोई लोग आज की तारीख में कहते हैं कि ए अल्लाह मैं तुझे फला बाबा का या बुजुर्ग का वास्ता देता हूँ कि तू मुझे नेक औलाद अता कर, या मेरी मतलब ये फला हाजत है इसको पूरी कर दे, इस तरीके के अल्फाज को अदा करना कि ये इस्लामी शरीयत से साबित नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, भाग गए क्या मेरे भाई? मैंने पहले कहा था एक बार मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो साबित हो गया कि बरेली लोग जो भाई जो वसीला लेते हैं दुआ में, ठीक है, ये बाबा का, पीर बाबा का, नबी का, वली का, शौदा का, सालीम का, और लोटा बाबा, कोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, नंगा बाबा, भालू बाबा, इन सब बाबाओं का जो भाई लोग वसीला लेते हैं ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, ये नाजायज वसीला है। जो जायज वसीला है उसको छोड़ देते हैं, नाजायज वसीले पे अमल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, हो गया क्या? अभी बाकी और कुछ हो गया मेरे भाई? अभी मैं बोलूं? हाँ बोलो जल्दी। अभी मैं बोलूं तो बीच में बात नहीं करना। हाँ सही बोलोगे तो नहीं बोलेंगे, और अगर जहाँ तुमने गलत बोला तो देंगे। नहीं नहीं सही गलत जो भी हो, मैं मेरी बात मुकम्मल होने तक बात नहीं करना। क्या मेरे भाई तुम गलत अनशन बोलते जाओगे तो क्या हम चुप रहेंगे? तो उसके बाद बोलो ना, अभी आपके बीच में बोला क्या मैं? तुम जहाँ गलत बोलोगे वहीं रोक के तुम्हारी इसलाह कर देंगे, उसके बाद तुमको आगे बढ़ने देंगे। अरे तो बात को भी सुन लो ना, उसके बाद इसलाह करो ना। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बीच में बात नहीं काटना। बोलो जल्दी। तो आपने क्या बोला, जब तीन जो है तीन तलाक का वसीला जायज है, आपने अभी भी बताया, ठीक है, अभी भी आपने जो है कुरान और हदीस से आपने बताया तीन तलाक का वसीला जायज है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ तो फिर तभी आपने क्या बताया तीन तरह के वसीला, मैंने पूछा कि तीन तरह का वसीला जायज है ये आपने बताया, तो आपने क्या बोला कि ये तीन तरह के वसीले की हदीस है, हदीस मौजूद है, हदीस में जिक्र है कि जो है जो मतलब जो जिंदा है जिंदा का वसीला लो, ये हदीस में आपने पढ़ के बताया उसमें कि जिंदा का वसीला लो, और आपने बोला ये हदीस है, ठीक है, अबू दाऊद की हदीस है बोला आपने, ठीक है। अगर आपने अबू दाऊद की नहीं है, जामे तिर्मिजी की हदीस है, सुनो तो ना मेरे भाई, ठीक है, वही सुना। अगर अबू दाऊद जो मैंने बोला तो क्यों बोल लो? अरे भाई ऑडियो सुन लो आप खुद, वो पहले वो अभी मैंने बोला अबू दाऊद, पता चलेगा अबू मैं भाई, अभी मैंने बोला अबू दाऊद, पहले क्या बोला, पहले ऑडियो में बोला ना आपने, पहले क्या बोला उसको हटाओ, अभी मैंने बोला पहले क्या बोला उसको हटाओ। अरे मेरे भाई पहले हमने क्या बोला उसको छोड़ो मेरे भाई, पहले तो बहुत कुछ तुमने भी बोला, अभी मैंने बोला छोड़ दो। अरे क्या बोला मैंने बताओ ना उसको, मैं बताओ क्या गलत बोला मैंने भाई। मैंने पहली चीज तो तुम्हें किसी भी हदीस का हवाला दिया ही नहीं, मैंने तुम्हें जो भी साबित किया है मैंने कुरान की आयत से साबित किया है अल्हम्दुलिल्लाह। निकल गया दुकान से, निकल गया अबू दाऊद ने, खत्म हो गई बात भाई। अबू अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के 99 भाई वो नाम है, यानी एक कम 100 नाम है, ऐसे हैं कि जो उनको याद रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी सही मुस्लिम। मैं वसीले पे आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, जो वसीला जिससे आपको पक्का शफात मिलनी है वो चीज आप लोग छोड़े दे रहे हो, वली बाबा को पकड़ के उनका दामन नोच नोच के बैठे हुए हो। ये बकवास ये बकवास मत करो ना फालतू बकवास। अच्छा बकवास हो गई, मतलब ये बताओ वली का नाम लेते तुम लोगों के इतना मतलब भाई वो बंगरा का ही सवार हो जाता है। कहाँ लिया मैंने, कब लिया वली का नाम? नहीं वली का नाम अभी हमने लिया ना तो आपके एकदम मतलब वो जोश आ गया, जिन सवार हो गया। कौन सा जिन सवार हो गया, कौन बंदर? तो अभी आपने कहा ना कि फालतू बात ना करो, मैं आपको भाई मैं आपके वली का नाम ले रहा हूँ,
आप करो, फालतू बात ना करो। कौन से बलि का नाम? अरे मेरे भाई, अगर आप लोग बलि बाबा का दामन पकड़ के बैठे हुए हो, जो कुरान हदीस से साबित का सिला, उसको क्यों नहीं लेते हो? टॉपिक से बात करो ना आप। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपने जो है ना, आपने बयान किया कि बुखार अबू दाऊद में वो हदीस है, तो वो हदीस बताओ ना। ठीक है भाई, तिर्मिजी में, तिर्मिजी में ना, तो वो यही बोल रहा हूँ मैं, तो उसको बोलो ना, फिर गलती से अबू दाऊद निकल गया। तो बोल तो दिया तिर्मिजी में है, अबू दाऊद में नहीं है, और कितनी बार बोलो? बोल लो ना मेरे भाई। तो बोल तो रहा हूँ मेरे भाई, तिर्मिजी में, तिर्मिजी में, तिर्मिजी में। हाँ अच्छा, ठीक है, अभी तो कायम रहेंगे ना इसकी बात से, क्या बोलेंगे बाद में? बिल्कुल बिल्कुल कायम रहेंगे मेरे भाई। हाँ क्या वापस बोल दीजिए, वो पहले की बात छोड़ो, अभी की बात करो। हाँ क्या वक्त वक्त पे बदलती है आपकी बात? अरे मेरे भाई, इंसान के दिमाग में भाई इतनी सारी हदीसें होती है, कभी वो बोल देता है कि अबू दाऊद में है या तिर्मिजी में, कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें क्या मसला है? अरे हदीस तो मौजूद है ना, अब चाहे वो अबू दाऊद में हो चाहे तिर्मिजी में, उससे क्या लेना देना? वो खत्म हो गई ना बात, यही बात पहले बोल देते। तो वही तो आप एक ही चीज पकड़े हुए हो, ठीक है, मुर्गे की टांग पकड़ के झूल ले हो, अबू दाऊद अबू दाऊद अबू दाऊद तिर्मिजी में है ना, तिर्मिजी में तो है ना। हाँ है ना, तिर्मिजी में, तिर्मिजी में मौजूद है ना हदीस। अरे हाँ मेरे भाई, हाँ ये इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, बाद में आप फिर बोलोगे नहीं वो छोड़ो पहले की बात। उमर रज़ी अल्लाह ताला अनु अल्लाह के नबी के पास आते हैं, वो उमरा करने के लिए जाते हैं, तो अल्लाह के नबी कहते हैं ए उमर मेरे लिए दुआ करना, तो इससे साबित होता है कि अगर कोई जिंदा हो, नेक इंसान हो, तो उससे भाई हम लोग दुआ के लिए बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला तभी? आपने क्या बोला? अबू दाऊद का नाम दिया ना आपने। अरे अबू दाऊद का मामला तो साफ हो गया ना, तिर्मिजी की हदीस है ये। हाँ अच्छा, तिर्मिजी में, वही तो बोल रहा हूँ, जब आपने बोला अबू दाऊद में, अभी तिर्मिजी में बोल रहा हूँ भाई। वाकई तुम पागल हो क्या? एक बार 100 बार बोलोगे क्या? कौन से हदीस के बारे में बोला था वो बोल रहा हूँ मैं भाई, तिर्मिजी की हदीस है। अबू दाऊद को भी तुम हटा दो कुछ देर के लिए साइड में। अरे मैं तिर्मिजी अबू दाऊद की बात नहीं कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ मैं, हदीस की किताब की नहीं। इतना जहन तुमको हदीस और हदीस की किताब के फर्क नहीं समझता क्या? अरे तो वही तो बता रहा हूँ ना, जो ये हदीस अल्लाह के नबी की है, ये तिर्मिजी है, ये तिर्मिजी की किताब में आई है। अब आगे बात समझ में? अभी मेरी बात सुनो, तुमने क्या बोला कि तीन तरह का वसीला लेना जायज है। एक वसीला अल्लाह के जो है अस्माउल सिफात का, दूसरा वसीला जो है अपने नेक अमाल का, अपने नेक अमाल का, और तीसरा वसीला जो है ये जो है जो जिंदा मोमिन इंसान का, इंसान जो इंसान जिंदा है उसका वसीला पकड़ो, ये हदीस तुमने बयान की ना ये। हाँ ये तीन हदीस, तीन तरह के हदीस बयान की तुमने, ये हदीस में ये तीन तरह की कैटेगरी बताई तुमने हदीस के नाम पर। ये हदीस में है इस तरह की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि भाई वसीले की पहली किस्म, वसीले की दूसरी किस्म, वसीले की तीसरी किस्म, तो क्या तुम पागल हो गए? तुमको भाई उर्दू नहीं आती? तो वो हदीस बताओ ना, हदीस में बोला ना तुमने अलग अलग, ये बताइए अलग अलग तुम बात कर रहे हो ना, एक हदीस में ये मतलब है बताया ना तुमने? नहीं, तुमको क्या सारी की सारा जो पूरा इस्लाम है वो तुमको एक ही हदीस में चाहिए? अरे हर एक मसले की अलग अलग भाई हदीस चाहिए भाई, नमाज की भाई वो नमाज की हदीस अलग है, वजू की भाई अलग है, रोजे की हदीस अलग है, अजान की भाई हदीस अलग है, सबकी अलग अलग हदीस है। कोई इंसान अगर दावा करता है कि एक हदीस में है, तो फिर उसको एक हदीस में दिखाना पड़ेगा ना। हाँ तो दावा किसने किया? मैंने दावा किया कि तुम भाई, मैं तुम्हें एक ही हदीस से साबित करूंगा। वो पहले जब मैंने पहले मरतबा कॉल किया तब क्या कहा तुमने? ये तीन कैटेगरी बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बताया ना तुमने? तो मेरे भाई हमने कहा था इस्लाम का बेसिक है कि इस्लाम में तीन तरीके के वसीले होते हैं। अरे मेरे भाई, ये तीन तरह के वसीले बयान करके तुमने बोला कि ये तीन तरह के वसीले, तो वही तो मैंने कहा था कि ये तीन तरीके के वसीले जो है ये कुरान और सुन्नत से साबित है। बताया अच्छा ठीक है, ये जब ये तीसरा जो वसीला बताया ये जो नेक नबी से जो है वापस बाद में ही आ रही है घूम के, नेक जो है अल्लाह के नेक बंदों का वसीला, ठीक है, इसकी जो दलील ये अल्फाज आप खा गए जी, अल्फाज आप क्यों खा जाते हो मेरे भाई? आपको बीमारी है क्या कोई अल्फाज खाने की? क्या मेरे भाई घर में खाना आपको नहीं मिलता जो अल्फाज खा जाते हो? अरे डॉक्टर आप होंगे ना,
तो भाई वही तो बता रहे हैं ना, अल्फाज पूरा अदा कीजिए कि नेक और जिंदा मुत्तकी परहेजगार का वसीला, जिंदा लगाने तो आपका है ना, मुर्दा भाई देखो भाई मुर्दा का भाई जो मुर्दा है उसका वसीला जायज नहीं है, वो बात तो जो मुर्दा है उसका वसीला जायज नहीं है, जिंदा का वसीला जायज है जो आपके सामने जिंदा हो। जुमला खा गया मैं, ये इल्जाम लगाया तभी तब हदीस मैंने खोल के दिखाई तो नहीं भाई, बहुत बड़े टाइम पास हो मेरे भाई, अभी हम फोन काट देंगे, तुम्हें टॉपिक पे बात करना है कि नहीं है? अभी ये कौन है, अभी ये टॉपिक से कौन हटा दिए, खाना नहीं तो तुमने जुमला क्यों खाया? तुमने कहा कि नेक परहेजगारों का वसीला, उसमें एक जुमला था कि जिंदा, तो तुमने तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? सही बुखारी में तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? सही बुखारी तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? सही तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? हमारे बीच में तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? तुमने जिंदा को क्यों छोड़ दिया? जब इल्जाम लगा क्यों छोड़ा जिंदा को तुमने? छोड़ दिया। जो तीसरा जायज वसीले की किस्म है वो ये है कि किसी नेक और मुत्तकी परहेजगार जो जिंदा हो उसका वसीला, तो जिंदे का अल्फाज आप क्यों खा गए? अब ये खा गए, अब ये इंसान की गलती नहीं हो सकती, जैसा तुमने अबू दाऊद, अच्छा हमने अबू दाऊद बोल दिया तो आप मेरे ऊपर भाई वो फान पड़े चल बैठे, मतलब अपना गलती करोगे तो इंसान से गलती हो जाती है और हम गलती करेंगे तो हम क्या रोबोट है क्या? जुबान दोहराने में गलती हो गई तो फिर वो उसको पकड़ लिया, तो गलती हो गई वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिंदा है तो जिंदा भी बोलो ना मेरे भाई, ये जिंदा मुर्दे के फर्क से पूरा भाई माना चेंज हो जाएगा, आपको क्या मालूम? वो गलती आप वजाहत, अगर अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर मैंने बोल दिया ये अबू दाऊद में है, भले ही वो अबू दाऊद में ना हो फिर भी में हो, वो बात एक ही है, लेकिन जिंदा मुर्दे का जो फर्क है उससे माना चेंज हो जाएगा। उसको एग्जाम क्यों लगा रहे हो भाई? आपको बकबक करना है क्या मेरे भाई? मैं फोन काटूं? बकबक तो तुम कर रहे हो ना तब से, तो आप हमें एक एक सही हदीस पेश कर दो जिसमें आया हुआ है कि मुर्दों का वसीला लेना जायज है। नाजायज है जो है तो नाजायज की तो हदीस मैंने आपको दे दी ना, जब जिंदों से जायज है तो भाई उसको मुर्दों से तो नाजायज होगी, कहाँ है बताओ ना? तो दे तो दी मेरे भाई, जामे तिर्मिजी की हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास उमरे के लिए भाई वो पूछने आते हैं, परमिशन लेने आते हैं, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ठीक है जाना तो मेरे लिए भी दुआ करना, तो यहाँ पे जिंदों की बात हो रही है, तो माना कहाँ है? आपका दावा ये है ना कि मैयत से भी मांग सकते हैं, मुर्दों से भी मांग सकते हैं, तो आप अपने दावे पे दलील दोगे ना? हमारा दावा ये है कि नबी सुन से जो है नबी सुनने बताया, क्या बताया? मुर्दों से मांगो, माज अल्लाह हदीस पे झूठ बोल दिया, तोबा तोबा तोबा, हदीस बताओ जल्दी जल्दी, हदीस बताओ अल्लाह के नबी ने कब कहा कि मुर्दों से दुआ मांगना, जल्दी बताओ तुरंत। मैंने बोला मुर्दों से दुआ मांगना, तो तुम्ही तो कह रहे हो हमारे अल्लाह के नबी ने बताया, क्या बताया अल्लाह के नबी ने? बात तो सुनो ना पूरी। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, औकात क्या आ गए ना अपनी, जल्दी बताओ, जल्दी बोल बच्चन खत्म को, जल्दी बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है उनको, जो नाजिल शख्स है उनको बताया वसीला लेने के लिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीला लेने का बताया, ना जिंदा का बताया ना मुर्दा का बताया, तो नबी, अरे मेरे भाई अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में बताया ना, ये तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह के नबी जब तक जिंदा थे तो सहाबा अल्लाह के नबी के नाम से वसीला लेते थे, लेकिन अल्लाह के नबी के दुनिया के जाने के बाद किसने अल्लाह के नबी के नाम से भाई वो दुआ में वसीला लिया, आप उसका नाम बताइए, एक सहाबी का नाम, ताबई का नाम, सबे ताबई का नाम, आप बताओ ना, साबित करो, किसने किया? वाह रे वाह मेरे भाई, मना किसने किया? आ गया, मतलब ये कुल मिला के ये तो वही बात हो गई कि अल्लाह के नबी ने कब मना किया कि भाई वो सिगरेट ना पियो, अल्लाह के नबी ने कब मना किया कि बीड़ी मत पियो, अल्लाह के नबी ने कब मना किया कि भाई जाके भाई वो मतलब वो लड़कियों के साथ वो छेड़खानी ना करो, अल्लाह के नबी ने कब मना किया कि लड़कियों से फोन पे बात मत करो, तो ऐसे तो सब कुछ मेरे भाई दीन में तुम भाई वो डाल दोगे। अभी मैं बोलो, तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे पास खाली मंतिक के अलावा कुछ है?
अरे पागल बरेलवी, सुधर जा सुधर जा। तेरे ऐसे बरेलवी लोग ना मेरे आके हाथ पैर दबाते हैं, कहते हैं अप्पू भाई आप मेरे को दीन सिखा दीजिए। रोते हैं बेचारे, भीख मांगते हैं कि अप्पू खान भाई मेरी इसलाह कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारे ऐसे बरेलवी की औकात हम जानते हैं अच्छे तरीके से। तुम्हारे पास एक भी दलील दुनिया में मौजूद नहीं है, दुनिया की किसी भी हदीस की किताब में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा हो कि तुम मुर्दों का भी वसीला ले सकते हो। अल्लाह ताला कुरान में सूरह रूम में ओपन फरमा रहा है, ए नबी बेशक तुम उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। तो मुर्दों का वसीला कैसे हो गया? सुनाने की बात ये नहीं है, उनके बाद नहीं तो वसीला कैसे लेते हो मेरे भाई? जब उनको सुनाई नहीं पड़ेगा तो तुम्हारे लिए वो वसीले का काम कैसे करेंगे? भाई तुम ही लोग तो कहते हो बिना भाई, वो बिना वकील के जज के पास कैसे चले जाएंगे? तो जब तुम्हारा वकील ही बहरा है तो तुम जज के पास कैसे जाओगे? मैंने कब कहा बरेलवी की मिसाल आज उसके मुंह पे लग गई।